मुख्यमंत्री का ये नॉमिनेशन, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देखिए वैभव गहलोत आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। बड़ा दिन, सदापुरा से आज नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गजों की सूची में इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आज का सबसे बड़ा नामांकन जो इस वक्त हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, नामांकन कक्ष की ये तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से सरदारपुरा पर फतेह हासिल करने के इरादे से नामांकन दाखिल करने यहां पर पहुंचे हैं। लगातार मुख्यमंत्री सुबह से एक्टिव नजर आए, कल ही जोधपुर शाम में पहुँच गए थे और आज नामांकन का ये बड़ा दिन, यहीं से आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मोर्चा संभाल चुके हैं और यहां से देखिए किस प्रकार से नामांकन दाखिल कर रहे हैं मुख्यमंत्री। नामांकन के बाद एक बड़ी सभा होगी, उस सभा को मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे। इससे पहले कुछ पंक्तियां भी ट्विटर पर लिखी हैं और बताया है कि क्या लगाव है मेरा अपने गृह जनपद से, क्या लगाव है सरदारपुरा से। अब ऐसे में नामांकन का अंतिम दिन आज, नामांकन के अंतिम दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक्सक्लूसिव तस्वीर उनके नामांकन दाखिल करते हुए 2023 के इस चुनावी समर में, मरुधरा के इस महासमर में सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गजों के हमने नॉमिनेशन देखे, पहले दिन हमने देखा किस प्रकार से सचिन पायलट का नॉमिनेशन हुआ, वसुंधरा राजे, तमाम बड़े नेताओं का नॉमिनेशन हमने देखा। लेकिन इस बीच परिवार के साथ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री गहलोत, अपनी पत्नी बेटे सभी के साथ मुख्यमंत्री इस वक्त नॉमिनेशन फाइल करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नॉमिनेशन, जो औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी करते हुए इस वक्त मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मरुधरा के महासमर की, ये एक बड़ी तस्वीर जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना नामांकन दाखिल करने गए हैं। तमाम बड़े दावे मुख्यमंत्री के साथ गारंटियों को लेकर मुख्यमंत्री चुनावी समर में, ना सिर्फ खुद की जीत बल्कि 156 का दावा है मुख्यमंत्री का, 156 का टारगेट लेकर मुख्यमंत्री चल रहे हैं और इस 156 के टारगेट में एक सीट है सरदारपुरा की, जहां से खुद मुख्यमंत्री चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अब ऐसे में ये सीट पिछली बार बड़े अंतर से जीती थी, 45-50 हज़ार वोटों के अंतर से मुख्यमंत्री ने जीती थी। अब ऐसे में इस बार ये अंतर कितना बड़ा होगा, किस प्रकार से क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये तस्वीरें ज़रूर देखिए ध्यान से, क्योंकि ये यादगार तस्वीरें रहने वाली हैं। 2018 में नॉमिनेशन हमने देखा मुख्यमंत्री का इसी सीट से, 13 में देखा और अब 23 में नॉमिनेशन दाखिल करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, परिवार के साथ पहुंचे। इससे पहले अपनी बहन का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री, हर शुभ काम से पहले अपनी बहन का आशीर्वाद लेने पहुंचते, वहां पहुंचे, उसके बाद में हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। नामांकन कक्ष की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन यहाँ पर दाखिल कर रहे हैं, जो औपचारिकताएं होती हैं हस्ताक्षर इत्यादि की वो इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नामांकन पत्र की, मुख्यमंत्री का ये नामांकन पत्र सबसे पहले जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नॉमिनेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री का क्रेज यहाँ पर देखने को मिला। मुख्यमंत्री जब अपनी बहन के यहाँ पर पहुंचे, वहाँ पर भी हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे मुख्यमंत्री के, और यहाँ पर आप तस्वीरों में वैभव गहलोत को भी देख सकते हैं, वो पहुंचे हुए हैं अपने पिता के नॉमिनेशन में और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज नॉमिनेशन, आज अंतिम दिन है नॉमिनेशन का, 3 बजे तक नॉमिनेशन होना है, 11 से 3 का वो समय जब नॉमिनेशन फाइल हो सकता है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री 11:15 बजे से ही एक्टिव नजर आए ट्विटर पर, पहले दो ट्वीट हमने देखे, पहले 7 गारंटियों वाला वो ट्वीट, उसके बाद में एक भावनात्मक ट्वीट मुख्यमंत्री ने किया और बताया कि किस प्रकार का उनका लगाव रहा है अपने लोगों से और आखिरी सांस तक कैसे वो बने रहेंगे। भवानी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट है, भवानी अपडेट बताएं, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल हो गया मुख्यमंत्री का? बिल्कुल, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जो है बहन का आशीर्वाद लेने के बाद में जो सीधे सर्किट हाउस पहुंचे थे, वो सर्किट हाउस के बाद में सीधे वो जो है रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर उनकी पत्नी सुमिता गहलोत और बेटा वैभव गहलोत की मौजूदगी में वो है जो रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं और जो कुछ औपचारिकता होती है नामांकन के दौरान की, वो औपचारिकता वहां पर पूरी की गई है और कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से बाहर आएंगे
तमाम जो उनके समर्थक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही मुख्यमंत्री रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे थे तो यहाँ पर तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया और जो जीत की अग्रिम बधाई कह सकते हैं वो बधाई देख करके अपनी शुभकामनाएं हैं वो मुख्यमंत्री को दी है। अभी मुख्यमंत्री जो है रिटर्निंग कार्यालय से बाहर आ रहे हैं, उनकी पत्नी सुनीता गहलोत और वैभव गहलोत भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद रहे और कुछ ही देर बाद में जो है मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होकर के जो सर्किट हाउस जाएंगे और उसके बाद में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे वो यहाँ पर जोधपुर पर रहेंगे और उम्मेद स्टेडियम एक बड़ी आम सभा है उसको संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जो है रिटर्निंग चुनाव कार्यालय से बाहर निकल चुके हैं और कुछ ही देर में जो है यहाँ से जो है सीएम रवाना होंगे। उम्मेद में जो सभा होनी है वो कितनी महत्वपूर्ण, उसमें किस प्रकार का संबोधन मुख्य